ब्राह्मण मित्र मंडल भिलाई दुर्ग द्वारा सामूहिक निःशुल्क उपनयन संस्कार शुक्रवार को मंगल वाटिका कुरुद में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए 51 ब्राह्मण बटुकों का 21 पंडितों द्वारा उपनयन संस्कार किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पिछले 4 वर्षों से ब्राह्मण मित्र मंडल भिलाई दुर्ग द्वारा ब्राह्मण बटुकों का निःशुल्क उपनयन संस्कार कराया जाता रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए ब्राह्मण बटुक अपने परिजनों के साथ शामिल होकर उपनयन संस्कार कराते आए हैं। शुक्रवार को ब्राह्मण मित्र मंडल द्वारा मंगल वाटिका कुरुद रोड कोहका में 51 ब्राह्मण बटुकों का सामूहिक निःशुल्क उपनयन संस्कार 21 पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया, जिसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। सभी ब्राह्मण बटुक विभिन्न क्षेत्रों से यहां पहुंचे हुए थे। उपनयन संस्कार में ब्राह्मण मित्र मंडल से जुड़े समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और विभिन्न धार्मिक आयोजनों में उपस्थित हुए। आयोजन की जानकारी ब्राह्मण मित्र मंडल भिलाई दुर्ग के संयोजक राम मिलन दुबे, प्रभुनाथ मिश्रा और हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक अवधेश दुबे ने दी। ये ब्राह्मण मित्र मंडल की तरफ से 51 ब्राह्मण बच्चों का बटकों का उपनयन संस्कार किया जा रहा है और ये हर साल होता है, ये चौथा साल है। ये बच्चों को संस्कारित करना और ब्राह्मण बच्चों का जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वो वास्तव में कोई भी पूजा पाठ के योग्य नहीं होते हैं और ना ही उनके पूरे संस्कार पूरे होते हैं। जनेऊ संस्कार के बाद मतलब संस्कार के साथ ब्राह्मणों के पूरे संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। जन्मना जायते सूत्र संस्कारा द्वे भवे, दिन बनने के लिए ब्राह्मण बनने के लिए जो संस्कार सबसे बड़ा जरूरी है। जब हम बौद्धिक जगत में प्रवेश करते हैं उससे पहले जब तक यज्ञोपवीत नहीं हो गया तब तक बुद्धि न तो निर्मल होगी न तो तेज होगी। ब्राह्मण तेज अगर पाना है तो ब्राह्मण बटुक को उचित उम्र पर यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कर लेना चाहिए। यज्ञोपवीत कराने वाले जो आचार्य हैं वो प्रथम मुख्य गुरु होते हैं। जैसे गुरु माता है स्कूल में जाते हैं, लेकिन जब तक यज्ञोपवीत संस्कार का आपके कर्ण में मधुर ध्वनि न आवे मंत्रोच्चार की ब्राह्मण तो पाने की ओर दिशा में आप कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। आज भिलाई ब्राह्मण मित्र मंडल के द्वारा जो है ब्राह्मण बच्चों का उपनयन संस्कार का यज्ञोपवीत कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये इससे बच्चों के अंदर में संस्कार निर्माण होता है और उनको जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र के कारण और उनको जनेऊ धारण जो करते हैं तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है। और अभी जो ध्यान में आ रहा है कि विवाह विलंब से हो रहा है, जनेऊ संस्कार विलंब से हो रहा है, इसके कारण बच्चों के अंदर में जो हमारा मूल संस्कार क्या है वो संस्कार निर्माण नहीं होता है। इसलिए समाज के द्वारा यह बहुत उत्तम चिंतन हुआ है और उस चिंतन का परिणाम स्वरूप है कि विगत 4 वर्षों से अपने माननीय राम मिलन दुबे जी इस जो मंगल वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं इसका संदेश काफ़ी दूर दूर तक जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग अधिकतम जिलों से यहां पर उपनयन संस्कार के लिए बटुक आए हैं और उनका आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। खास बात यह है कि राम मिलन दुबे जी जो संयोजक हैं इस आयोजक का वो पूरी जो भी इसमें का व्यवस्था होता है खुद अपने द्वारा करते हैं, इसमें किसी का अन्य ऐसा कोई सहयोग नहीं लेते हैं। बहरहाल उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण भोज शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।